हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब इन्फॉर्मेशन 3.0। फ्रेंड्स, न्यू नोटिफिकेशन आउट हुआ है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से। तो चलिए इस जॉब का बात डिटेल्स जानते हैं, और डिटेल्स जानने के लिए आपको इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहना होगा। फॉर दैट आप इस जॉब का बात सारे से डिटेल्स में जान पाएँ कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एज लिमिट होना चाहिए, इसमें किस तरह से सिलेक्शन ले सकते हैं और आप इस फॉर्म को कब से अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका बात सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट, ऑफिस असिस्टेंट। ऑफिस असिस्टेंट में टोटल वैकेंसी 200 है। एज 21 से 45 साल के बीच में होने चाहिए। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होने चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया, रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव में होगा। फॉर जनरल अवेयरनेस, करेंट अफेयर्स, इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इंक्लूड्स वर्किंग नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, वर्ड एक्सेल एंड पावर पॉइंट। और जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट थे उनको टाइपिंग टेस्ट भी क्वालिफाई करने होंगे, इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट या हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। फाइनल सिलेक्शन पर्सनल इंटरेक्शन या पर्सनल डिस्कशन के बेसिस पे किया जाएगा। कंसोलिडेट फी पर मंथ, मिनिमम वेज रेट्स दिल्ली गवर्नमेंट के अनुसार दिया जाएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर्स में टोटल वैकेंसी 178 है। इसके लिए क्वालिफिकेशन 12th पास या ग्रेजुएट होने चाहिए। इसमें आप सिलेक्शन टाइपिंग टेस्ट के थ्रू ले सकते हैं, इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग करने होंगे या हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग करने होंगे। मिनिमम वेज रेट्स दिल्ली गवर्नमेंट के अनुसार दिया जाएगा। फॉर्म को अप्लाई करते समय किसी भी तरह का टेक्निकल प्रॉब्लम आता है देन इसमें ईमेल कर सकते हैं, और किसी भी तरह का क्वेरी रहता है देन इसमें ईमेल कर सकते हैं या इसमें कॉल कर सकते हैं। और आप इस फॉर्म को 25 अप्रैल 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस लिंक में विजिट करने के बाद रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्टेप वन में सेलेक्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर, एडवर्टाइजमेंट नंबर 131 है। स्टेप टू में इंटर बेसिक डिटेल्स, स्टेप थ्री में इंटर एजुकेशन डिटेल्स, अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो वर्क एक्सपीरियंस भी इंटर करना है। स्टेप फोर अपलोड अफकेंट फोटो, सिग्नेचर, बर्थ सर्टिफिकेट, अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो 10th सर्टिफिकेट, अगर रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट। स्टेप फाइव में एप्लीकेशन प्रीव्यू और मॉडिफाई। स्टेप सिक्स में पेमेंट करना है। स्टेप सेवन में अफकेन डॉक्यूमेंट्स को ईमेल करना है जो एप्लीकेशन फॉर्म के लास्ट पेज में मेंशन किया है। एप्लीकेशन फी, जनरल कैंडिडेट्स को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 750 रुपये पे करने होंगे। एवरी एडिशनल पोस्ट के लिए एक्स्ट्रा 500 रुपये पे करने होंगे। ओबीसी कैंडिडेट्स को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 750 रुपये पे करने होंगे। एवरी एडिशनल पोस्ट के लिए एक्स्ट्रा 500 रुपये पे करने होंगे। एससी एसटी कैंडिडेट्स को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 450 रुपये पे करने होंगे। एवरी एडिशनल पोस्ट के लिए एक्स्ट्रा 500 रुपये पे करने होंगे। एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 750 रुपये पे करने होंगे। एवरी एडिशनल पोस्ट के लिए एक्स्ट्रा 500 रुपये पे करने होंगे। वुमेन कैंडिडेट्स को 750 रुपये पे करने होंगे। एवरी एडिशनल पोस्ट के लिए एक्स्ट्रा 500 रुपये पे करने होंगे। EWS PH कैंडिडेट्स को 450 रुपये पे करने होंगे। एवरी एडिशनल पोस्ट के लिए एक्स्ट्रा 300 रुपये पे करने होंगे। और इसका पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स इस जॉब का बात सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। स्टिल किसी भी तरह का डाउट रहता है देन आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड है देन इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप लोग को इस वीडियो से हेल्पफुल लगा हो देन इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, बिकॉज जब भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आउट होगा देन सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तब तक लीजिए जय भारत।